नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज भारत ने वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जो आज तक दुनिया का बड़े बड़े देश नहीं कर पाया। आज भारत ने बहुत बड़ा माइलस्टोन तोड़ दिया है, बहुत बड़ा कारनामा किया है, दुनिया को चौंका कर रख दिया है। चाइना को बुरी तरह से पीटा है, जो चाइना पैसा का घमंड कर रहा था उसी चाइना को बुरी तरह से पीटा है। इतना ही नहीं, हमारा मित्र इजराइल भी हमारे सामने अब कुछ नहीं। दोस्तों, हम लोगों ने तहलका मचा दिया है। और बड़ी बात यह है, अब भविष्य में भारत एकमात्र देश है जो चीन को अकेला बुरी तरह से पछाड़ेगा नहीं, चीन को हमेशा हमेशा के लिए नस्तनाबूद कर देगा। दोस्तों, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। कह सकते हैं कि हमारे लिए जितना अचीवमेंट अग्नि 5 है था, हमारे लिए जितना बड़ा अचीवमेंट सूर्या मिसाइल होगा या फिर ब्रह्मोस 2 होगा, दोस्तों उससे कहीं अधिक हमारे लिए ये अचीवमेंट है। हम लोगों को आज खुशियाँ मनाना चाहिए, आखिरकार हम लोगों ने चीन को बुरी तरह से धो के मारे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आपको गर्व होगा। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन का एक इंडेक्स है जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। दोस्तों, भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में तहलका मचा दिया है, हरकम मचा दिया है। जो भारत आज से केवल 2-3 साल पहले उसमें कहीं आता ही था, कह सकते कि हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए थे, यहाँ तक कि इजराइल से बहुत पीछे थे, यहाँ तक कि तुर्की से, यहाँ तक कि चीन से, दोस्तों हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। आखिरकार भारत ने केवल 2 साल में अपना तमाम जो भी बदनामी था वो ख़त्म कर दिया और चीन को बुरी तरह से पछाड़ दिया। कहा जाता है कि वर्तमान में जो साइबर सेक्टर में महान होगा, जो मजबूत होगा, वही भविष्य में राज करेगा, दुनिया पर राज करेगा। और दोस्तों, इसमें भारत ने तहलका मचा दिया है, भारत ने चीन को बहुत बुरा पछाड़ा है। दरअसल नया जो रिपोर्ट आया है ना यूनाइटेड नेशन का, दोस्तों उसमें कहा गया है कि नंबर 1 देश है ना वो अमेरिका है। अमेरिका का जो साइबर सिक्योरिटी है वो बेहद ही खतरनाक, बहुत ही एडवांस है। और नंबर 10 पे भारत आ गया है। दोस्तों, भारत आज से केवल 2-3 साल पहले नंबर 47 पे था, यानी कि 47 पे था, लेकिन अचानक से केवल 2 साल में 47 से 10 नंबर पे आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे भारत ने केवल 2 साल में 37 रैंक का उछाल मारा है। 37 रैंक का उछाल मारते हुए 10 नंबर पे आ गया है, दुनिया को चौंका दिया, दुनिया को हैरान कर दिया है, तहलका मचा दिया है। आप बोलेंगे यहाँ पे चाइना कितना रैंक पे है, देखिए चाइना का रैंक आज भी 33 है, यानी कि चाइना 33 नंबर पे है और भारत कितना पे है, 10 नंबर पे दुनिया में है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे इसराइल का, तो इसराइल 37 नंबर पे है। आप बोलेंगे आखिरकार तो इससे क्या होगा, भारत में ऑलरेडी कई बार साइबर हमला हो चुका है, कभी तो बिजली गोल हो जाता है, कभी पीएमओ का रिपोर्ट लीक हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, आखिरकार हम लोग इतना मजबूत हो गए तो चीन हम पे हमला कैसे कर पा रहा है और भविष्य में क्या होगा। दोस्तों, सिंपल सी बात करें, भारत में हमला आज से कुछ समय पहले होता था, लेकिन भविष्य में देखेंगे चाइना का हैकर कुछ भी कर पाए ना, बिल्कुल ही अब कुछ नहीं होगा। दोस्तों, भारत अब साइबर सिक्योरिटी मामले में बहुत मजबूत बन चुका है। सिंपल सी बात कहें, अगर 2 साल में 37 रैंक अगर नीचे आ सकता है दोस्तों, तो सिंपल सी बात करें 2 साल के बाद और क्या, आप लोग 2-3 साल देखेंगे भारत टॉप 5 में आ जाएगा। दोस्तों, ये श्योर है 2022-23 में भारत टॉप 5 में आएगा। उस समय दुनिया में केवल 5 ही देश होगा जिसके पास सबसे खतरनाक साइबर सिक्योरिटी होगा। आप बोलेंगे चीन कहाँ होगा, दोस्तों चीन 2-3 साल में बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। देखेंगे अभी 33 है तो 3 साल में हो सकता है 29-30 नंबर पे आ जाए। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत ने क्या किया, आखिरकार रातों रात इतना बड़ा उछाल कैसे मारा, हम लोग तो इतिहास बना दिया। देखिए, आप जानते हैं आज का भारत बेहद ही सोच समझ के चलता है। हमारे सामने में जो मुसीबत है, जो समस्या है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं और हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जहां भारत पे दिन रात अटैक हो रहा था, समर अटैक हो रहा था, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। दोस्तों, अगर दूसरा देश होता तो यहां पे हिम्मत हार जाता, हम लोगों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा। और हम लोगों ने क्या किया, दुनिया का जो टॉप 5 का देश है उससे समझौता किया, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और हो, सबसे समझौता किया और दोस्ती किया। और दोस्तों, हम लोगों ने सबका टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लाया, यानी कि उनसे आपस में विचार विमर्श करके, दोस्ती करके, कुछ पैसा देके तमाम टेक्नोलॉजी आपस में शेयर किया। और दोस्तों, हम भी बहुत मेहनत किए और यही कारण है कि भारत आज 47 से टॉप 10 में आ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत सरकार का ये दूसरा फैसला बेहद ही खतरनाक था और बेहद ही
यूजफुल हुआ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया। आप जानते हैं भारत सरकार ने हाल ही में एक नया बिल लाया था, बोला था कि भारत का जो डेटा है वो भारत में रहेगा, चाहे कंपनी कहीं का रहे, चीन का रहे, यूरोप का रहे, अमेरिका का रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर भारत में काम करना है तो भारत में डेटा सेंटर बनाइए, यहीं पर डेटा स्टोर होगा, भारतीय का जो भी सुरक्षा है भारत में ही रहेगा। और दोस्तों ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था और इसीलिए भारत ने टॉप 10 में आ चुका है। इतना ही दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा कांड किया। आप लोग जानते हैं चीन का हम लोग तमाम टेक्नोलॉजी को बहिष्कार कर दिए, खास रूप पे चीन का एप्लीकेशन हो या चीन का 5G टेक्नोलॉजी हो, सबको बहिष्कार कर दिए और हम लोगों ने चीन को पाकिस्तान को देखते हुए काम किए। दोस्तों चीन पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत यहाँ पे कभी भी टॉप 20 नहीं आएगा, दोस्तों चीन पाकिस्तान को ये लग रहा था, लेकिन भारत ने तहलका मचा दिया। केवल 2 साल में भारत ने साबित कर दिया है कि अगर हम पे मुसीबत आएगा तो हम सबको पछाड़ेंगे और टॉप 10 में आके दोस्तों चीन में हड़कंप मचा दिया। चीन के थिंक टैंक, चीनी मीडिया चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है, भारत ने तो तहलका मचा दिया, आखिरकार हम लोग क्या कर पाए। दोस्तों इस तरह के बात चीन में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है और भविष्य में देखेंगे साइबर वार होगा दोस्तों, भविष्य में न्यूक्लियर वार नहीं होगा, जिसके पास जितना साइबर सिक्योरिटी मजबूत रहेगा वह इतना युद्ध जीतेगा। आप देखेंगे आने वाले 2025 तक देखेंगे दोस्तों भारत साइबर सिक्योरिटी में हर सेक्टर में चीन पाकिस्तान से बेहद आगे होगा, बेहद ही एडवांस होगा, क्योंकि भारत अभी कई करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, अपने तमाम लोगों को ओपनली मौका दे रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जोन बना रहा है, एक खास रूप माहौल खड़ा कर रहा है और खास रूप जो छोटे मोटे हैकर है उसे मौका दे रहा है, बोल रहा है कि आप भी आइए पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों चाइना खासतौर पर इतना हैकिंग में आगे कैसे निकल गया, चाइना आज हैकिंग में टॉप में दोस्तों एक में है, सिंपल सी बात है, नंबर एक पे है। कैसे है चाइना में दोस्तों, जो भी छोटे मोटे हैकर होता है चीन सरकार उसे पैसा देता है, उसे बोलता है कि तुम और बड़ा हैकर बनो, तुम भारत का जो भी वेबसाइट हैक करो, तुम भारत का तमाम टेक्नोलॉजी हैक करो, डेटा हैक करो, और दोस्तों उसे इनाम देता है, अवार्ड देता है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों दुर्भाग्य तो यह है कि 2018 से पहले भारत में कोई भी आम लोग अगर चीन का या फिर पाकिस्तान का वेबसाइट हैक करता था, कोई भी हैकर था, तो हमारे यहाँ का जो सरकार है उसे पकड़ के जेल में बंद करता था, बोलता था कि ये लोग तो बेहद ही खतरनाक है, ये हैकिंग कर रहा है, इसे बंद कर दो। दोस्तों ये रवैया था, आज भी हजारों हैकर जेल में बंद है, लेकिन भारत सरकार अब ओपनली सबको मौका दे रहा है, बोल रहा है कि टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग बहुत सही चल रहा है, तुम और दिमाग लगाओ, तुम्हें हर मौका देंगे और चीन पाकिस्तान को धजिया उड़ा दो। दोस्तों हम लोग अब हैकिंग के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भविष्य साइबर सिक्योरिटी का ही है और जो हैकिंग कर सकता है, जो अपने आप को बचा सकता है, वही दुनिया पे राज कर सकता है। और जो लोग कल तक बोल रहा था कि आखिरकार हम लोगों ने रूस को नाराज क्यों किए, पश्चिमी देशों का हाथ क्यों थामे, दोस्ती क्यों किए, दोस्तों वो आज देख ले, रशिया से हमने 70 साल हथियार खरीदा, कई बिलियन डॉलर दिया, लेकिन कभी भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया। दोस्तों रशिया का यही आदत बहुत खराब था, लेकिन देखिए हाल ही में हम लोगों ने यूरोप का हाथ थामा है, अमेरिका का हाथ थामा है और हम लोगों ने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों तहलका मचा दिया है, भविष्य में हम लोग हर सेक्टर में आगे होंगे।